अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहने वाला है। मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी लाहौरी चनों की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चने बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन, जिसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैं इसमें आधा कप ऑयल ऐड कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लेकर उसका पेस्ट बना दिया है। ये ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से इसको ऐड करने के बाद आपने मिक्स कर लेना और 2 मिनट आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना। तो देखिए प्याज को फ्राई होते हुए यहाँ पर 2 मिनट हो गया। मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अब हम इसको 3 मिनट इस तरह से चम्मच लाते हुए भून लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो खत्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 3 मिनट हो गया अदरक लहसुन को फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बड़े साइज का टमाटर लेकर उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। ये ऐड कर देंगे, इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और टमाटर ऐड करने के बाद आपने साथ साथ इसमें मसाले भी ऐड कर लेने हैं, क्योंकि टमाटर में काफ़ी सारा पानी होता है तो यहाँ पर हमें अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सारे मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना और अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, यहाँ पर मैंने आलू लेकर ना छोटे साइज का उसका इस तरह से पतला सा पेस्ट बना लिया। इसको बॉईल करके इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने आलू का जो पेस्ट है उसको गाढ़ा नहीं बनाना, नहीं तो आपको यहाँ पर मिक्स करने में मसला होगा। तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका पतला सा पेस्ट बना लेंगे। इतनी अच्छी सी इसकी जो ग्रेवी है तैयार हो गई है। 2 मिनट हम इसको पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आलू का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसको 2 मिनट पका लिया और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चने। 1.5 कप चने लेकर उनको मेरा आधा भिगो दिया था और ये देखें इनको अच्छी तरह से मैंने बॉयल कर लिया। ऐड कर देंगे और आपने इसको ऐड करने के बाद मिक्स कर लेना। तो ये देखेंगे किस तरह से इसकी जो ग्रेवी है वो बनी है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 गिलास पानी और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चूल्हे को आपने लो फ्लेम पर कर देना और लो फ्लेम पर ही आपने इसको 10 मिनट के लिए पका लेना। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो ये सारा जो पानी हमने ऐड किया ना ड्राई हो जाएगा। देखिए चूल्हे को यहाँ पर मैं लो फ्लेम पर कर दिया और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 8 से 10 काली मिर्चें साबुत। हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर आकर इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे ना, जो मैंने यहाँ पर जीरा काली मिर्च ऐड की, तो इससे जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए यहाँ पर चनों को पकते हुए और इस पर ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। स्टेज में इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून खुश धनिया पाउडर और 1 पिंच हम इसमें ऐड कर देंगे खुश मेथी। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब आपने इसको 5 मिनट दोबारा से लो फ्लेम पर पका लेना। देखिए यहाँ पर लो फ्लेम पर पकते हुए चनों को 10 मिनट हो गए हैं। चूल्हे को ऑफ कर देंगे और आप देख सकते हैं कि ऑयल है जो सारा ऊपर आ गया और चने बिल्कुल जैसे हम बाजार में खाते हैं तरह के बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखें, आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।